हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज संजीव कुमार आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मॉडर्न ग्रुप ऑफ कॉलेजेस टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडियन एथोस व्हिच इज द टॉपिक ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बाय फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग द टर्म एथोस एथोस यानी कि लोकाचार वे मान्यताएं हैं विचारधारा हैं सामाजिक व्यवहार के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में पर्सन्स या ग्रुप्स के बीच में इंडियन एथोस यानी कि भारतीय लोकाचार जिसे कि हम राष्ट्रीय लोकाचार भी कहते हैं वे सिद्धांत हैं सेल्फ मैनेजमेंट के गवर्नेंस ऑफ सोसाइटी यानी कि सामाजिक शासन के और सिस्टम के जो हमारे पौराणिक ग्रंथ जैसे कि वेद उपनिषद गीता महाभारत बाइबल क़ुरान इन सब में बताए गए हैं और इनसे लिए गए हैं अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी एथोस आर द मॉरल आइडियाज़ एंड एटीट्यूड्स दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप और सोसाइटी सो एथोस मॉरल आइडियाज़ है और नज़रिया है एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर सोसाइटी को बिलोंग जो करते हैं नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन एथोस यानी कि इंडियन एथोस की, की विशेषताएँ है क्या हैं सो फर्स्ट फीचर है डिवाइनिटी ऑफ ह्यूमन बींग यानी कि मनुष्य की दिव्यता इंडियन एथोस फोकस करता है सच के रूप में मनुष्य के अस्तित्व को लेके। देर इज़ नथिंग मोर परफेक्ट देन द सुप्रीम सोल यानी कि परमात्मा से बढ़कर कोई भी चीज कंप्लीट नहीं है और परमात्मा हर मनुष्य के भीतर मौजूद है नेक्स्ट फीचर है बैलेंस और इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन बैलेंस और इक्विलिब्रियम में ये बताया जाता है कि आपका जो डिज़ायर desire और डिज़ायरलेसनेस यानी कि इच्छा और इच्छाहीनता स्पिरिचुअल एंड सेकुलर वैल्यूज़ यानी कि आध्यात्मिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्य सब्जेक्टिव एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी कि व्यक्तिपरक और भौतिकवादी दुनिया के बीच में एक संतुलन बना रहना चाहिए नेक्स्ट फीचर है बैलेंस ऑफ पर्सनल एंड वर्क लाइफ यानी कि व्यक्तिगत जीवन और कार्य जीवन का संतुलन इंडियन एथोस इस चीज़ पे फोकस करता है दैट इफ़ यू आर गुड देन द वर्ल्ड इज़ आल्सो गुड फॉर यू अगर आप अच्छे हैं तो दुनिया भी आपके लिए अच्छी होगी सो इंडियन एथोस मैनेजमेंट में ये बहुत ही ज़रूरी है एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए कि आपका जो है पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ के बीच में एक बैलेंस बना रहना चाहिए संतुलन बना रहना चाहिए नेक्स्ट फीचर है कॉस्मिक और प्योर कॉन्शियसनेस यानी कि लौकिक चेतना सो so, हर एक मनुष्य के अंदर एक अलौकिक तत्व होता है जो उसकी लौकिक चेतना का जो है पार्ट होता है और ये आधार प्रदान करता है म्यूचुअल ट्रस्ट यानी कि विश्वास कोऑपरेटिव यानी कि सहयोग टीम वर्क और कॉमन गुड यानी कि सबकी भलाई के ऊपर नेक्स्ट फीचर है इम्पोर्टेंस टू कैरेक्टर यानी कि चरित्र का जो है महत्व इंडियन एथोस इम्पॉर्टेंस देता है कैरेक्टर के ऊपर ज्ञान से ज़्यादा यानी कि नॉलेज से ज़्यादा कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा महत्व देता है जो कि हमारा रियल पावर भी है और वेल्थ भी है जैसे कि अगर हम महाभारत की बात करें तो भीष्म जी जिन्होंने की भीषण प्रतिज्ञा ली थी कि वे आजीवन जो है ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे और जो भी हस्तिनापुर के सिंहासन पे विराजमान होगा उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे सो जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली उस समय से लेके उनके मरण के समय तक वे उस प्रतिज्ञा पे कायम रहे सो ये उनके कैरेक्टर को बताता है कि वे अपनी प्रतिज्ञा पे कायम रहे थे उनके कैरेक्टर को यानी कि उनके चरित्र को दर्शाता है वैसे ही रामायण की अगर बात करें तो श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है तो कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडियन एथोस में नेक्स्ट फीचर है होल मैन अप्रोच यानी कि पूर्ण मनुष्य का दृष्टिकोण इंडियन एथोस बेस्ड होता है श्रुतिस, गीता की श्रुतिस के ऊपर और उपनिषद और पुराण के जो है स्मृति उनके ऊपर सो ये प्रोवाइड करते हैं मैन अप्रोच ज्ञान का जो है रचना के ऊपर और एक इंटरनल रिलेशनशिप होता है भौतिकवादी जीवन और जो है आध्यात्मिक जीवन के बीच में एक इंटरनल जो है रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में नेक्स्ट फीचर है वर्क इज वर्शिप इंडियन एथोस इस फैक्ट पे चलता है कि वर्क इज वर्दी एंड ऑनरेबल कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता हर एक काम जो है वो बहुत ही जो है अ, हर एक काम जो है महत्वपूर्ण होता है और हर एक जो काम है वो सम्मान उसमें सम्मान सम्मानजनक होता है सो वर्क इज वर्शिप ये एक लाइक गाइडिंग प्रिंसिपल होता है जो कि काम करने के लिए जो है प्रेरित करता है जैसे कि आपने एक चीज़ आपको ये चीज़ मालूम होगी कि कोई भी जब अपना शॉप का शटर खोलता है तो सबसे पहले वो क्या है शॉप के अंदर एंटर करने से पहले वो माथा टेकता है और उसके बाद जो उनकी मशीनरी होती है उसको पहले माथा टेकेगा और सबसे पहले जो उसकी पहली दिन की कमाई होती है उस कमाई को भी वो है माथा टेक के फिर गले में डालेगा तो ये चीज़ बताती है कि उसका काम जो है एक मनुष्य का काम जो है उसके लिए वो एक पूजा की तरह है नेक्स्ट फीचर है ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कर्तव्य और ज़िम्मेदारी तो ये चीज़ बताती है कि कर्तव्य और जिम्मेदारी एक मनुष्य का कर्तव्य और ज़िम्मेदारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इस चीज़ पे जो, जो है इंडियन एथोस जोर देते हैं नेक्स्ट फीचर है नॉलेज यानी कि ज्ञान सो ज्ञान जो है इंडियन एथोस में दो टाइप का जो है नॉलेज दी जाती है एक तो है नॉलेज ऑफ क्रिएशन यानी कि रचना का ज्ञान और नॉलेज ऑफ क्रिएटर यानी कि रचयिता का ज्ञान लास्ट जो है इसका फीचर है एक्सीलेंस एट वर्क अकॉर्डिंग टू इंडियन ethos, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैन बी assured थ्रू एक्सीलेंस एट वर्क थ्रू सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट यानी कि इंडियन एथोस के मुताबिक अगर एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि एक्सीलेंट एक्सीलेंस एट वर्क यानी कि काम जो है सही तरीके से होना चाहिए सेल्फ़ मोटिवेटेड होना चाहिए और सेल्फ़ डेवलप्ड होना चाहिए यानी कि खुद की है जो है मोटिवेशन ख़ुद ही जो है मोटिवेशन आनी चाहिए और आत्म विकास सेल्फ डेवलपमेंट यानी कि आत्म विकास आत्म जो है विकास होना चाहिए सो so, ये चीज़ें ज़रूरी होती है एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए सो so, ये थे हमारे जो इंडियन uh, एथोस उसका मीनिंग और उसके फीचर्स यानी कि विशेषताएं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नीड एंड रेलिवेंस ऑफ इंडियन एथोस। टिल देन सी यू टेक केयर